बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, जो चैप्टर है हमारा, वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। सो इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम, यानी आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। मसलन सर्दियों में बाहर ठंड होती है, यानी कोल्ड, यानी आप बाहर कोल्ड फील करते हो, सही। और फील कौन करता है? आपकी स्किन, सही। अब स्किन क्या करता है? इस कोल्ड को यानी सर्दी को महसूस करने के बाद अपना मैसेज ब्रेन को सेंड करती है। ठीक है, बेसिकली जो जो कह लें कि असल जो सेंटर है जहां पे मैसेज जाके कन्वे होगा, वो ब्रेन है। ठीक, सो ब्रेन के पास मैसेज आएगा, ब्रेन जो है इस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर इसकी फीडबैक देगा आगे मसल्स को। ठीक है, आपके जिस्म में जो मसल्स होते हैं, मसल्स इसके रिस्पांस के अंदर शिवरिंग जनरेट करेंगे, यानी कपकपाएंगे। ठीक है, शिवरिंग जनरेट करेंगे। शिवरिंग के बाद क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर, यानी बॉडी विल वार्म अप, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। सो जब बॉडी वार्म अप होगी तो फिर वो बता देगी दोबारा ब्रेन को कि जी हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 अचीव हो गया, सो इट विल स्टॉप शिवरिंग, यानी वो फिर नेगेटिव फीडबैक के जरिए इसको रोक देगा, सही। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी क्या पॉजिटिव फीडबैक, क्या नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट केस आता है, यानी जब हम हैं, अब हार्ट फील होता है, लाइक वी आर फीलिंग हार्ट, यानी बाहर गर्मी है, सही। सो अगेन इसका मैसेज सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? स्किन, कि हमारी स्किन को फील होगा जी बाहर गर्मी है। स्किन अपना मैसेज भेजेगी ब्रेन को, ब्रेन इस टाइम फीडबैक देगा या अपना कह लें कि ऑर्डर देगा, से इट विल सेंड ऑर्डर टू स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जैसे आप कहते हैं पसीने के जो ग्लैंड्स या मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर ही होते हैं बेसिकली ये। सो स्वेट ग्लैंड्स के पास आएंगे, स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्वेट, यानी दे विल प्रोड्यूस स्वेट, स्वेट प्रोडक्शन होगी। स्वेट प्रोडक्शन, पसीने आने से क्या होता है कि कूलिंग होती है, सही, यानी कूलिंग होगी। कूलिंग होने के बाद टेम्परेचर अगेन स्टेबल हो जाएगा और ये मैसेज अपने वापस सेंड कर देगी ब्रेन को। सो ब्रेन आगे नेगेटिव फीडबैक से रोक सकता है। सो जो सारा कंट्रोल है, ठीक है, यानी जो मेन चीज को सारों को कंट्रोल कर रहा है, वो ब्रेन हो गया हमारे पास, यानी ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर। टी बीच में मिस हो रहा है, कंट्रोल। सो ब्रेन कंट्रोल हो गया, बकाया जो मैसेज रिसीव कर रहा है दोनों केसेस के अंदर वो सेम है, लाइक स्किन इज रिसीविंग मैसेजेस, सही, यानी ये मैसेज को रिसीव करेगा तो इसे हम रिसेप्टर कह देंगे, इसे किसका नाम दे देंगे? रिसेप्टर्स। और जो आगे रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक, यानी रिसेप्टर से तो मैसेज रिसीव किया और उसके बाद वो जिन ऑर्गन के पास जाएगा जो आगे रिस्पॉन्स जनरेट, मतलब इस केस के अंदर जब ठंड लग रही थी तो मसल्स ने रिस्पॉन्स जनरेट किया था कि वो कपकपाने लग गए, और जबकि गर्मी लगी तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया कि उसमें से पसीना यानी स्वेट रिलीज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से दोबारा टेम्परेचर डाउन हुआ। सो ये दोनों एफेक्टर्स कहलाएंगे, सो दे विल बोथ नोन एज एफेक्टर्स। ये भी एफेक्टर्स हो जाएगा और ये भी एफेक्टर्स होगा, ठीक है। सो हमने एक कह लें कि एग्जाम्पल पढ़ी, एग्जाम्पल में फिर हमने ऑर्गन्स डिस्कस किए कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, फिर उन ऑर्गन्स को हमने उनके मुताबिक नाम दे दिए। तो ये सारा प्रोसेस एक छोटी सी एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस का। सो इसके अंदर कर रहे क्या है वो, व्हाट इज, अगर हम इसका सिंगल लाइन आंसर दें, दे आर बैलेंसिंग टेम्परेचर, बैलेंसिंग टेम्परेचर। क्यों बैलेंस कर रहे थे? क्योंकि बाहर जो सा था टेम्परेचर कभी, यानी एक केस में ज्यादा था, लाइक जब गर्मी लग रही थी तो हम टेम्परेचर ज्यादा था इस केस के अंदर, और दूसरे केस के अंदर टेम्परेचर कम था। सो इस बैलेंसिंग टेम्परेचर के एग्जाम्पल से हमें यानी होम्योस्टेसिस का अंदाजा हुआ, ठीक है, लाइक इट वॉज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, देखें इसमें कौन कौन से फंक्शनल पार्ट्स थे, तो इसमें सबसे पहले हमने रिसेप्टर्स देखे जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करेंगे कंट्रोल में, ठीक है, तो दूसरा कंट्रोल सेंटर हो जाएगा। फिर कंट्रोल सेंटर जो सा है आगे किन को मैसेज कन्वे करता है? एफेक्टर्स को। सो यानी इसका तीन मेन पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक, कि सबसे पहले लाइक रिसेप्टर्स,
ठीक है, ये अपना मैसेज आगे कन्वे करेंगे किधर, कंट्रोल सिस्टम में, सही। और फिर कंट्रोल सिस्टम से ये आगे जो सा इसका कह लेंगे फीडबैक या इसका जो रिस्पॉन्स है वो किधर जाएगा, अफेक्टर्स पर, ठीक है। रिसेप्टर्स में स्किन हमने एग्जांपल ली थी, मसलन अगर हम इनकी एग्जांपल साथ साथ काउंट करें, सो रिसेप्टर में स्किन आई थी, कंट्रोल सिस्टम में हमारा ब्रेन है, सही, अफेक्टर्स में मसल्स थे या फिर ग्लैंड्स थे, मसलन स्वेट ग्लैंड्स हमने यूज किए थे। सो और बेसिकली इनका काम क्या था, नहीं व्हाट इज इट्स देयर फंक्शन, के ये इनसाइड ऑफ द बॉडी बनाते हैं, यानी जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होंगे, फिर जो कंट्रोल सिस्टम है, अफेक्टर्स है, ये सारी बॉडी का इनसाइड है, बॉडी का इनसाइड। सो जो मैसेज पहले सबसे पहले आता है सराउंडिंग से, नहीं ये अब आउटसाइड है, यानी इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब मौसम ठंडा है गर्म है, सो कूल और हॉट ये एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मौसम ठंडा है या गर्म है उसका मैसेज सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, ठीक है। और रिसेप्टर रिसीव करने के बाद उसको आगे कंट्रोल सिस्टम में यानी भेजेंगे, कंट्रोल सिस्टम फिर उसके ऊपर फीडबैक देगा अफेक्टर्स को कि भाई अब आप अपना काम शुरू करो, सही। अफेक्टर्स जब अपना काम कंप्लीट करेंगे तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक से सारा प्रोसेस रोक देगा। सो यानी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो आउटसाइड से इनसाइड रिसेप्टर्स के पास गई, ठीक है, और बकाया जो रिस्पॉन्स था वो अफेक्टर जनरेट करेंगे। सो इट इज रिस्पॉन्स, सो ये पहले स्टिमुलाई होगी, दिस वन इज द स्टिमुलाई, सही। और जो अफेक्टर्स जनरेट करेंगे इसे हम रिस्पॉन्स कह देंगे, सही। सो स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या जनरेट हुआ हमारे पास, रिस्पॉन्स, सही। स्टिमुलाई जो के कह लेंगे एक किस्म के एनवायरमेंट के अंदर चेंज आएगी, मसलन सर्दी आती है या गर्मी आती है, सो इट विल बी स्टिमुलाई। सो स्टिमुलाई क्या हो जाएगा, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट, मसलन सर्दियां आ जाती हैं गर्मियां आ जाती हैं, तो एनवायरमेंट में कोई भी चेंज है वो स्टिमुलाई बनेगी, और वो स्टिमुलाई रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर, यानी ये कंप्लीट बॉक्स बना देता हूं, मसलन ये सारी हमारी बॉडी है, सो बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को, फिर कंट्रोल सिस्टम में लेके जाएंगे उस मैसेज को, सेंड करेंगे यानी, और फिर ये मैसेज अफेक्टर्स के पास आएगा, सही। और ये सारा होम्योस्टेसिस कहलाएगा, सही। इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द होम्योस्टेसिस, ठीक है। इस तरह के और भी काफी प्रोसेस जो मसलन ये इस चीज को हम यानी बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर कह रहे थे, नहीं टेम्परेचर बैलेंस कर रहे थे, इसका दूसरा नाम जो सा है थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है। द सेकंड नेम इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज सॉरी, थर्म किसे कहते हैं भला, हीट को या टेम्परेचर को भी इससे डिनोट किया जाता है। सो यानी थर्मो रेगुलेशन मतलब कि ये रेगुलेट कर रहा है किसको, टेम्परेचर को। सो एक किस्म के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, यानी बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर टेम्परेचर, यानी उसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, लेकिन वो जो कह लें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना उसको अचीव करने या उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, सही। मसलन अगर हम कहें कि जी ये 95 to 100 फारेनहाइट तक टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, सही, 95 to 100 फारेनहाइट, जबकि बाहर जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी माइनस में इवन चला जाता है टेम्परेचर, सो बाहर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी। सो यानी अगर बाहर की फ्लक्चुएशंस बनाऊं ना मैं, मसलन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सही, यानी हर इस फारेनहाइट को अगर आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें ना तो 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा, बाहर जो टेम्परेचर रहेगा वो ऑलमोस्ट यानी बाज का तो माइनस में भी चला जाता है, 0 degree centigrade से लेकर बाज का गर्मियों में 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, सही, ये बाहर की फ्लक्चुएशंस है, लेकिन हमारी बॉडी इसे सिर्फ 36 और 38 के दरमियान रखेगी, अदरवाइज हमारी बॉडी सही काम नहीं कर सकेगी। सो ये होम्योस्टेसिस है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, ठीक। तो इसमें हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, बाज प्रोसेस होते हैं जो टेम्परेचर के अलावा भी होते हैं, मसलन और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन जिसके अंदर वाटर बैलेंस किया जाता है, वाटर जिस तरह टेम्परेचर बैलेंस हो इस तरह वाटर भी बैलेंस होता है, इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्गन्स होंगे उसमें किडनी आएगा, किडनी आएगा, ब्लड आ जाएगा,
सही, ब्लड किडनी और ब्रेन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ब्लड और किडनी के दरमियान रिलेशन होता है, सही। ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा और इसके अलावा एक्सक्रीशन हो जाती है मसल, सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन में स्किन भी आती है क्योंकि आपकी बॉडी से भी ब्लड ये एवेपोरेट होता है, इसके अंदर स्वेट खास तौर पर आता है, सही। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन क्या होता है, ये भी एक किस्म की कह लेंगे बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो वेस्टफुल मटेरियल होता है ना इसको रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। इसमें भी ब्लड आ जाता है, किडनी आ जाएगा, इसमें लंग्स भी आ जाते हैं, सही, और किडनी, ब्लड और स्किन भी आ जाती है, सही। यानी ब्लड में वेस्ट मटेरियल होगा वो किडनी में ट्रांसफर होता है और किडनी से फिर ये वेस्ट मटेरियल यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है जी, यूरिन, और लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, स्किन से एक्स्ट्रा वाटर H2O सॉल्ट्स वगैरह रिलीज होते हैं, ये भी ऐसा एक्सक्रीशन आ जाएगा, यानी वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है, सही। सो थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, इस तरह पीएच बैलेंस होता है, वर्ड हम यानी पीएच बैलेंस ब्लड में होता है मेनली, इसमें ब्लड आ जाता है, सिंपल ब्लड आ जाता है, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूड्स के भी रोल होते हैं, ठीक है। ब्लड में बफर होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चले हम सिंपल एग्जाम्पल तक रहते हैं, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, पीएच बैलेंस हो जाएगा एंड फ्लां फ्लां फ्लां, सही। सो ये होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल्स थी, हमने स्टार्ट किया। अब हम सारा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि होम्योस्टेसिस होता है क्या। सो होम्योस्टेसिस जो सा है, सिंपली से कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ, किस चीज की प्रोटेक्शन होगी, इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, किस चीज से प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम हार्म यानी नुकसानात से, या हार्म्स जमा भी कर सकते हैं, फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस, ठीक है, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस कहते हैं तब्दीलियां जो आती रहती हैं, फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियां आती हैं, उसके जो नुकसानात है उससे बचाने के लिए जो हमारे अंदर सिस्टम है या जो भी इसका रिस्पॉन्स कह लें, उसे हम होम्योस्टेसिस कहेंगे, दिस विल बी नाउन एज होम्योस्टेसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें रखनी है कि होम्योस्टेसिस से मुराद ये नहीं कि कंडीशन कॉन्स्टेंट रहेगी, एक नहीं, एक कंडीशन अंदर चेंज होगी लेकिन वो बिल्कुल नैरो रेंज में होगी, उस रेंज में जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सही। सो होम्योस्टेसिस में क्या है कि जो बाहर की जो एनवायरनमेंट, सॉरी यहाँ पे मैं पूरा लफ्ज नहीं लिखा, एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन, यहाँ पे फिर अगेंस्ट पहले मिस्टेक हो रही है, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई सिंगल ऑर्गन नहीं होता, ग्रुप ऑफ ऑर्गन एट अ टाइम यानी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा होम्योस्टेसिस का जो सा है ना, वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। आप कहेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या मुराद है, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज मुख्तलिफ रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। मसलन थर्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें, थर्मोरेगुलेशन के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, कि बहुत से जानदार ऐसे हैं जिन्हें जरूरत नहीं पड़ती अपना टेम्परेचर चेंज करने की, ठीक है। मसलन एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपने सुना होगा कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ह्यूमंस किस में आते हैं भला, पढ़ा हुआ होगा आपने, ह्यूमंस वार्म ब्लडेड में आते हैं, सही, ह्यूमंस वार्म ब्लडेड में, ह्यूमंस से वार्म ब्लडेड में आते हैं। सो कूल ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में बेसिकली फर्क क्या है, कूल ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, कूल ब्लडेड को कहते हैं कि दे डोंट नीड या दे डू नॉट रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, क्यों, क्योंकि ये बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके अंदर स्पेशल अडाप्टेशन है जिसकी वजह से ये अडाप्ट कर सकते हैं, सही। और जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो से हैं, दे नीड टू रेगुलेट, दे हैव टू, दे नीड टू रेगुलेट टेम्परेचर। मतलब अगर सर्दियां आए, आप गर्म कपड़े ना पहने, क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपका सर्वाइवल, आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, सही। सो ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इन्हें अपना
जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करना पड़ता है, सही। सो ये थर्मो रेगुलेशन का थोड़ा बहुत ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है, यानी इसे हम कहेंगे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। यानी जो एम्फीबियंस थे ना, यानी जो ये कैटेगरी आती है एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग, इवन जो फिशेज होती है एम्फीबियंस के बाद फिशेज जो से, ये भी कूल ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यानी ये जिस पानी में रहेंगे जितना टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक ही रहेंगे। वार्म ब्लडेड में मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ठीक है जी, बर्ड्स। सो दे नीड टू चेंज द टेम्परेचर, इन्हें अपना टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, जबकि जो फ्रॉग वगैरह होते हैं ना, यानी जो एम्फीबियंस होते हैं या फिर फिशेज होती हैं, ये जिस जगह रह रहे होंगे ना उसके मुताबिक इनका टेम्परेचर रहता है। मसलन फ्रॉग बड़ा मशहूर है, मसलन ये हाइबरनेशन करता है सर्दियों में, यानी सर्दियों में टेम्परेचर इतना लो हो जाता है बेचारे से काम नहीं होता, फिर ये जमीन के नीचे दब जाता है, दबा रहता है वहां पे बैठा रहता है, इसे हाइबरनेशन कहते हैं। ये सर्दियों में करता है, सही, क्यों, क्योंकि भाई उनकी अडाप्टेशन है, दे आर अडाप्टेड, जबकि हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर रेगुलेट, हम यानी हमारा ब्रेन इसको सेंस करेगा टेम्परेचर को और उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मतलब अगर ज्यादा सर्दी होगी तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, ठीक है, धूप में बैठेंगे, आग के करीब जाएंगे, सही। इसके अलावा अगर और ज्यादा सर्दी महसूस होगी तो हमारा जो जिस्म है वो कपकपाने लग जाएगा, शीवरिंग जिसे कहते हैं, तब भी हमारा ब्लड बढ़ेगा, ठीक। सो यानी थर्मो रेगुलेशन का थोड़ा बहुत कह लें कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू भी है। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन है, मसलन ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें ना, ऑस्मो रेगुलेशन में आए जिसमें हम वाटर को देखते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी बहुत सी अडाप्टेशन है। मसलन जो अब मछलियां हैं, ठीक है, फिशेज, वो पानी के अंदर रहती हैं, ठीक, वो अपने जिस्म में कह लें कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जिस तरह हम पानी पी के अपने जिस्म में स्टोर रखते हैं, वो स्टोर नहीं रखती, क्योंकि उनके ऑलरेडी पानी है। सो उनमें अडाप्टेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में अडाप्टेशन है, थर्मो रेगुलेशन में अडाप्टेशन है, एक्सक्रीशन में अडाप्टेशन होगी, जो हम बारी बारी इसी के अंदर पढ़ेंगे, सही। सो ये एवोल्यूशन के हिसाब से भी चीजें यानी चेंज होती रह रही है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या फैमिली टू फैमिली चीजें चेंज होती रहती है, ठीक। सो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस को, कि हम किस तरह अपनी बॉडी को या अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन से यानी बचाते हैं, ठीक है। इसका जरा ओवरव्यू लेने के लिए ये डायग्राम मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। इसमें अगेन आप देखें तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन नंबर वन, जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर नीचे जा रहा है। सो अगेन सॉरी, ये यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, मसलन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मैसेज आएगा आगे, ये स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और स्वेटिंग होगी, ठीक है, मसल्स डायलेशन होगी, स्वेटिंग होगी और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, सही। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, मसलन यहाँ पे बाहर ये जो कंडीशन थे ना, ये वार्म कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं हार्ट कंडीशन लिख देता हूँ, हार्ट कंडीशन है। सो हार्ट कंडीशन में आगे मैसेज क्या, उसके बाद इसके ये कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, एक कंट्रोल है ब्रेन जो हमारा, ठीक, ये दोनों अफेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, सही। अफेक्टर्स फिर अपना रिस्पांस जनरेट करेंगे, टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर सेकंड केस, अगर कूल हो जाए, कूलिंग है बाहर, सो कूलिंग में क्या होगा, अगेन मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन इस टाइम एक तो जो उसने नहीं कह सकते हैं कि जो वेसल्स डायलेट करी थी ना, जो उसने नब्ज फुला ली थी, वो सुकड़ जाएंगी। सर्दियों में आप देखना आपकी नब्जें सुकड़ जाती हैं, ठीक है, गर्मियों में ये फैली भी होती हैं, सर्दियों में सुकड़ जाती हैं। वजह यही होती है कि सर्दियों में एक तो वाटर लॉस से बचाना होता है, ठीक है, तो इसलिए सुकड़ जाती हैं और इसके जरिए एवेपोरेशन कम होगी, ठंडक कम महसूस होगी। इसके अलावा शिवरिंग होगी कि मसल जो से हमारे ये शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे अफेक्टर्स हैं। ये जो ब्रेन है ये क्या होगा बोला, कंट्रोल, सही, मसल्स और ये वेन्स से अफेक्टर्स होगा और ये हमारे पास रिस्पांस आ जाएगा कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लग जाएगा, सही। सो चले हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने इसमें पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था एक एग्जांपल से, यही कूलिंग और हार्टिंग की एग्जांपल थी। सो कंसेप्ट होम्योस्टेसिस किस तरह लिया, हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रेन है, तो बाई टेम्परेचर कम होता है स्किन सेंस करेगी, ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी, आगे ब्रेन जो सा मैसेज अफेक्टर्स को देगा, डिलीवर करेगा, अफेक्टर्स उसका रिस्पांस जनरेट करेंगे, मतलब शिवरिंग जो सा रिस्पांस है। अगर सेकंड केस, अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है,
सही, अगर बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा है सो स्किन अगेन सेंस करेगी और उसे कंट्रोल में भेजेगी, कंट्रोल से स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज जाएगा या ऑर्डर जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ये अब इसका रिस्पॉन्स है। सही, और ये कूलिंग हुई या वार्म अप बॉडी हुई तो इन टेम्परेचर मेंटेन रहा है, सो टेम्परेचर इसमें मेंटेन रहा, बैलेंसिंग टेम्परेचर जिसे हमने थर्मो रेगुलेशन का नाम दिया। इसके बाद होम्योस्टेसिस के ऊपर आगे डायरेक्ट, यानी हमने इसी चीज को थोड़ा सा कह लें कि समराइज किया कि हमने कहा जी ये आउटसाइड टेम्परेचर था जो 0 से 45 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, अंदर जो है वो हम 36 से 38 रखना है हमने, ठीक है। उसके लिए फिर क्या हमारे पास सिस्टम में आएगा, एक तो रिसेप्टर होंगे जो सेंस करेगा स्टिमुलाई को, यानी चेंज आती कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर उसको सेंस करेगा ये, फिर आगे कंट्रोल सिस्टम में यानी ब्रेन में मैसेज भेजेगा, ब्रेन अपना ऑर्डर आगे एफेक्टर्स को डिलीवर करेगा, यानी एफेक्टर्स ऑर्डर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, यानी स्वेटिंग होगी, अगर बाहर हीट है तो ये स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, अगर बाहर कह लें कि ठंडक है सही यानी कूलिंग है बाहर, सो फिर वो जन से है शिवरिंग स्टार्ट करेंगे, जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो शिवरिंग करेंगे। सही, सो यानी ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। फिर इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन है जिसके अंदर वाटर बैलेंस होता है, इसके अंदर भी हमारे पास किडनी ब्लड और स्किन वगैरह यूज होती हैं, एक्सक्रीशन है जिसमें ब्लड किडनी लंग्स और स्किन इन्वॉल्व होंगी, पीएच बैलेंस उसमें ब्लड होता है मेनली, ठीक है, ब्लड होता है और इसमें किडनी भी होता है, वन अदर वन इज किडनी, किडनी भी इन्वॉल्व होता है पीएच बैलेंस के अंदर। और फिर हमने कहा चले हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली, ठीक है, थोड़े बहुत और भी इनके बारे में स्टडी कर लिया, थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि यार होम्योस्टेसिस होता है क्या, सो इट इज सिंपल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, कि जो बैरूनी कह लेंगे एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं उससे बचाने के लिए जो हमारी बॉडी कर रही है उसे हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल थर्मोरेगुलेशन हमने पूरे डिटेल में पढ़ ली। थर्मोरेगुलेशन कुछ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, यानी ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल्स होते हैं, मसलन हमने दो कैटेगरीज बना ली, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, ठीक है, लाइक फ्रॉग की एग्जाम्पल है या फिशेज है, वो जिस एनवायरमेंट में रहेंगी उस तरह का इनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि वो सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइक ह्यूमंस, हम ज्यादा ठंड में बाहर नहीं रह सकते, यानी हमें ज्यादा ठंड होगा तो हम कपड़े लेंगे, ठीक है, हमें सर्दी लगेगी, सर्दी से मतलब हम कप कप आएंगे, इसके अलावा हम आग के करीब बैठेंगे, सूरज के नीचे बैठेंगे, यानी किसी न किसी तरीके से हम अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। सही, सो यानी ये आप एवोल्यूशनरी पॉइंट, इस ऑस्मो रेगुलेशन के भी बहुत सी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आगे जाके, और लास्ट में हमने ये डायग्राम स्टडी की थी जो कि थर्मो रेगुलेशन की है। सो कल हम मजीद ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और अगले फर्दर टॉपिक्स को कैरी ऑन करेंगे।